आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए खुशखबरी है, आज एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आए सीए जयगुलिया जी, ठीक है, जाने माने एक्सपर्ट हैं डायरेक्ट टैक्स में। और आज का टॉपिक जो है ना, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, जो नए प्रोफेशनल्स है, जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या जो नए प्रोफेशनल है प्रैक्टिस में आते हैं, उनके सारे सवालों के जवाब देंगे हम इस वीडियो के अंदर। सवाल मैं पूछूंगा, जवाब सर आप देंगे, क्योंकि लगभग मुझे लगता है आपको प्रैक्टिस करते हुए 2-3 साल हुए हैं, ये आपका स्टार्टिंग फेज है जी। तो इसमें ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमें प्रैक्टिस जब करते हैं। प्रैक्टिस की बात हम किसकी कर रहे हैं, चाहे वो सीए प्रैक्टिस कर रहा हो, चाहे कोई एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हो या कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा हो, और ये जो अकाउंट्स की प्रैक्टिस है, चाहे वो जीएसटी की है, चाहे इनकम टैक्स की है, चाहे कंपनीज लॉ की है, उन प्रैक्टिस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सर सबसे पहला चैलेंजेस ये आता है कि भाई ये जो फीस है, क्लाइंट को हम फीस कितनी फीस बताएं, कितनी फीस क्लाइंट से चार्ज करें, उसका हम क्या क्राइटेरिया रखें। कई बार हमें लगता है कि सर हमने कम फीस बता दी, और जैसे ही हमने कम फीस बता दी तो हमारी इज्जत चली गई कि यार ये तो कितना सस्ता सी है। और अगर हमने महंगी फीस बता दी तो लगता है कि काम चला गया, क्लाइंट चला गया। तो आप एक थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए कि जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से स्टार्टिंग से, तो किस तरीके से आप फीस को डिसाइड करते हैं। सर मैंने बेसिकली एक क्राइटेरिया बना रखा है जी, काम के बेसिस पे जी। अगर बाय चांस आपका रूटीन नेचर का काम है, लेट्स से जीएसटीआर रिटर्न फाइलिंग है, आईटीआर फाइलिंग है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, तो आप इसकी फीस कम्पिटेटिव चार्ज कर सकते हैं। जो आपके अदर प्रोफेशनल हैं उनकी देख हम देख आप चार्ज कर सकते हैं। आप इसका क्राइटेरिया क्या रखेंगे, आप अपनी सिटीज के बेसिस पे या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे फीस चार्ज कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली जैसे सिटीज में है तो हाई, थोड़े से हाई अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कहीं दोसा या कहीं छोटे मोटे इलाके में है तो आप उसके हिसाब से फीस कम रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेरा आता है जो अलग काम होते रूटीन नेचर से हटके, जैसे स्क्रूटनी केस हैंडल कर लिया, 12AA ATG का रजिस्ट्रेशन करवा दिया या ऑडिट कर दिया आपने, तो उसका आप उसकी आप फीस अपने टाइम बेसिस पे और काम की क्वालिटी के बेसिस पे एक प्रीमियम अमाउंट आप चार्ज कर सकते हैं, राइट, जो मैं यूज करता हूँ। इसका मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, देखो अगर आपके पास कोई जीएसटी रिटर्न करवाने आता है या कोई अकाउंटिंग करवाने आता है, तो आप सबसे पहले उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर वो पहली बार आया है, सर इससे पहले भी तो आप कराते ही होंगे जी, तो आप क्या चार्जेस देते थे। बिल्कुल, जो चार्जेस आप वहां देते थे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कर लो, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो पूछता है जैन साहब कितनी फीस लोगे रिटर्न्स की, मैं बोल देता हूँ 5,000, वो कहता मैं नहीं करा रहा, क्योंकि आप समझो उसका वही काम 2,000 रुपए में हो रहा है, तो चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो, बिल्कुल, तो वो आपको 5,000 रुपए शायद ना दे, क्योंकि उसका काम चल रहा है 2,000 में। बिल्कुल, लेकिन आप वहां पर 2,000 की जगह 2,200-2,500 ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसी क्लाइंट का नोटिस आ जाता है, वही क्लाइंट अपील के लिए मेरे पास आ जाता है जी, ठीक है, तब उसका कंपेयर नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर वो काम नहीं करा रहा, ठीक है। तो अगर हम उससे उस वाले केस में 10,000, 15,000, 20,000 चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि वो वन टाइम फीस है, तो मेरे हाँ प्रीमियम अमाउंट हम उसमें चार्ज वहां पर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर एक चीज और बताना जी, मेरे काम के अंदर ना क्या होता है कि मेरे ब्रदर है, मेरी सिस्टर है, ठीक है, मेरा ब्रदर का भी जीएसटी नंबर है, उनके दोस्तों का भी जीएसटी नंबर है जी, और सबको पता है कि भाई राजीव जैन का भाई जीएसटी में काम करता है जी, तो वो कहते हैं भाई हमारी भी रिटर्न भरवा दे, हमारी भी इनकम टैक्स करा दे। तो ये जो रिलेटिव्स हैं, हाँ जी, या जो फ्रेंड्स हैं, हाँ जी, या जिन लोगों को हम पुराना जानते हैं, उनसे कैसे फीस चार्ज करें, क्या उन्हें कितना डिस्काउंट दे जी, ये दिक्कत सभी को आती है। आप शुरू में प्रैक्टिस में आते हैं, या आप अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये दिक्कत मुझे भी आई थी, तो मैंने इसका सिंपल एक तरीका निकाला था। जैसे इनकम टैक्स हमें कहता 44ADA सेक्शन, क्या 50% कॉस्ट मानो, 50% प्रॉफिट मानो, राइट, तो सीधा आप रिलेटिव को बोलो कि जी आप हमें 50% जो हमारा बेस प्राइस है, बिल्कुल, उसका 50% हम आपसे मिनिमम चार्ज करेंगे, जो कि मेरी कॉस्टिंग है, अगर मैं ये टाइम कहीं और यूज करता तो मैं और पैसे कमाता, मेरा स्टाफ भी है, मेरा रेंट भी जाता है, तो एटलीस्ट 50% आप उसका कॉस्टिंग निकाल सकते हो, और 50% आप अपना जो बेस प्राइस है जितना भी आप कोट करते हो अदर क्लाइंट को, आप उसका 50% एटलीस्ट चार्ज कर सकते हो रिलेटिव से। और अगर वो 50% भी ना दे तो सर उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट और कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है भाई, अगर आपके रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स है, तो देखो आपका टाइम लग रहा है, और अगर आप चाहते हो कि उनका काम टाइमली होता रहे, आपका भी जुड़ाव रहे, तो 50% फीस उनसे ले लो, उन्हें कह दो कि भाई देखो हम इस फीस की इतनी लेते हैं, लेकिन आपको इतना देना पड़ेगा।
अगर वो उसके बाद भी नहीं देते या डिले करते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत बुराई सही, कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़े दिनों बाद दिक्कत होने लगेगी, दिक्कत होने लगेगी, साल डेढ़ साल बाद आपके पास क्लाइंट ज्यादा होंगे, आप उनको तवज्जो नहीं दोगे और उनका काम डिले भी हो सकता है, उनका काम भूल भी सकते हो, भूल भी सकते हो क्योंकि पैसा नहीं आ रहा, तो भूल भी सकते हो, तो इट मीन्स आप उनसे भी थोड़ा बहुत कर लो और वो इस चीज को समझेंगे, मेरा मानना यह है वो भी इस चीज को समझे कि भाई इस व्यक्ति के भी खर्चे हैं। अब कोई कई बार ऐसा भी होता है सर, मेरा जो फ्रेंड सर्कल या मान लो या रिलेटिव्स मान लो या कोई पुराने क्लाइंट्स मान लो, वो ये कहते हैं अरे कपिल तेरे पास पैसों की क्या कमी है, पैसे तो है तेरे पास, तो वो उस टाइप की फीस कई बार डिले करते हैं, उन तरह के क्लाइंटों के लिए क्या करा जाए। अब उसमें यही है सर, उनको समझाओ कि सर मेरा टाइम भी जा रहा है, चलो कोस्टिंग मेरी अदर क्लाइंट से निकल रही है बट स्टिल मेरा टाइम है, मेरे टाइम की वैल्यू, और एज ए प्रोफेशनल आपको समझाना पड़ेगा सामने वाले को कि अगर सर देखिए मैं आज फीस चार्ज नहीं करूंगा आपके काम की क्वालिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जब उस किसी भी क्लाइंट के काम की क्वालिटी की बात आता है तो वो आपको फीस जरूर देगा। अगर वो मार्केट में किसी काम के लेट से 5,000 दे रहा है तो उसको 2,000 या 2,500 आपको देने में कोई हर्ज नहीं, कोई कोई हर्ज नहीं, जब रिलेटिव हो चाहे कोई भी, ठीक है। अच्छा सर एक इशू और आता है फीस को लेकर, मैंने अक्सर देखा है जो फीस इकट्ठी होती गई, इकट्ठी होती गई मतलब कि हमने एक महीने के लिए 2 की नहीं ली, 3 की नहीं ली, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल हो गया, उसमें ज्यादा दिक्कत आती है। तो हमारे को ये फीस इकट्ठी करनी चाहिए या हमें एडवांस बेसिस पे काम करना चाहिए या मंथ टू मंथ बेसिस पे काम करना चाहिए? सर ये प्रॉब्लम मुझे भी बहुत आई, शुरू में क्लाइंटों ने बहुत दिक्कतें की, तो अब मैंने अपना एक रूल बना रखा है, एटलीस्ट 50% अगर कोई नया काम आता है, लेट से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ गया, तो उसका 50% आप एडवांस ले लीजिए और 50% काम होने के बाद कीजिए। अब रही रूटीन नेचर वालों की बात, जो जीएसटी की रिटर्न फाइल कराते हैं या टीडीएस का कोई रूटीन काम कराते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उनका मिनिमम 3 महीने रखिए, इससे ज्यादा उनको टाइम मत दीजिए, बिल्कुल, क्वार्टरली पेमेंट, क्वार्टरली बेसिस पे आप पेमेंट रिसीव करते रहिए उनसे, ठीक है। और अगर पेमेंट नहीं आती तो उनका काम करे नहीं करे सर, उनको मोहलत दे के 1-2 महीने की आप उनका काम छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बैड डेब्ट है, खराब स्टॉक है, लायबिलिटी आप अपनी बैलेंस शीट में खड़ी कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं, और जितना बढ़ता रहेगा वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। आप उन्हें वार्निंग दे सकते हो कि भैया मैं इसके बाद काम नहीं कर सकता, ठीक है, मेरी फीस नहीं आई है, आपकी बैलेंस शीट खराब हो रही है, ठीक है ना। हाँ, तो आप उन्हें हाथ जोड़ के नम्रता से कह सकते हैं कि भैया मेरी फीस नहीं आ रही है तो आप प्लीज करके मेरी फीस कर दो, नहीं तो मैं स्टाफ को कैसे दूंगा, और ये वाला टाइम मैं कहीं ना कहीं और भी यूटिलाइज करूंगा, क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे, बिल्कुल सही बात, कि भाई चलो कोई बात नहीं आज कम है तो कल ज्यादा, हम तो समय बेच रहे, टाइम बेच रहे, तो अगर अगर हमने टाइम जित टाइम लिमिटेड है जी, प्रोडक्ट तो ये होगा 100 पीस की जगह 200 बना लेंगे फैक्ट्री में, लेकिन टाइम लिमिटेड है तो ऐसे व्यक्तियों को बेचे जो हायर पे बिके, बिल्कुल, और दूसरी चीज जहां से रिवेन्यू हमारे को आता रहे। आता है। तो एडवांस वाला तो देखो एक छोटी सी चीज, मैं अपने फ्रेंड के ऑफिस में गया, हमारे पार्टनर है डब्वाली में, ठीक है, सीए गोविंद सिंगला जी, मैंने उनकी टेबल के नीचे देखा, उन्होंने लिखा हुआ 100% एडवांस फीस, ठीक है ना, और वो ऐसा करते भी है जी। वो जैसे हम भी उनकी सर्विस ले लेते हैं ना, हम पार्टनर है, हम भी उनकी सर्विस ले लेते हैं, वो फिर भी हमें कह देते हैं जैन साहब वो एक बिल था वो कर देंगे, मतलब बिल्कुल, और इसमें हमें अच्छा लगता है, कोई हाँ प्रोफेशनल है, तो एडवांस फीस आप ले सकते हो, लेकिन आप हक से दोबारा जा भी सकते हो, कोई सलाह लेनी है तो आपको पता है आप पे करोगे, आप फ्री में तो कराओगे नहीं, तो आपको शर्म भी नहीं आएगी कोई सलाह लेने में, कुछ काम कर। अच्छा फीस से रिलेटेड और कुछ सर आप बताना चाहें इसमें? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा इसमें। हाँ। अदर पॉइंट ये है कि आपकी फीस शुरुआत में क्या करते हैं, जब नए नए प्रैक्टिस में आते हैं लोग तो कम फीस रखते हैं जी, जिससे आप कहीं ना कहीं आप क्लाइंट की क्वालिटी हैम्पर करोगे या फिर कहीं ना कहीं आपकी मार्केट में वैल्यू डाउन हो जाएगी, सिर्फ आपका नाम मार्केट में ये रहेगा कि ये बंदा जी वही है जो 250-500 रुपए में जीएसटीआर फाइल करता है जी। आप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे, मान के चलो 1 या 2 साल ही आप सस्टेन कर पाओगे मार्केट, तो इससे अच्छा है आप जो अदर प्रोफेशनल लेते हैं आप उनके इक्विवेलेंट फीस लीजिए। अगला एक लास्ट पॉइंट फीस के रिगार्ड में ये है कि अपना जो भी आप फीस चार्ज करते हैं वो आप अपने स्टाफ से चार्ज करवाइए, कॉलिंग करवानी अपने अपने स्टाफ को बोलिए वो आपको चार्ज, वो स्टाफ आपके बिहाफ पे फीस चार्ज करे क्लाइंट से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट आपसे डिस्काउंट मांग लेता है और एज ए प्रोफेशनल ये ठीक भी नहीं लगता, आप डायरेक्ट क्लाइंट से पैसे मांग रहे हो, तो आप अपने स्टाफ को कहिए वाला चार्ज कर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक सर एक क्वेश्चन और आता है हमारे को कि क्लाइंट के पास जी हमें जाना चाहिए उसके ऑफिस में जी। या क्लाइंट को अपने ऑफिस में बुलाना चाहिए जी, ये कैसे करना चाहिए?
सर ये मैंने जीएमसीएस की थी कलकत्ता से, तो वहां पे मुझे एक सीनियर टीचर थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया था और ये मैंने फॉलो किया और ये मुझे बहुत बेनिफिट दिया। आप कम से कम 4:1 की रेशियो रखो, ठीक है। अगर आप महीने में लेट से 4 बार क्लाइंट के यहाँ जाते हो तो 1 बार क्लाइंट को अपने ऑफिस जरूर बुलाओ। बिल्कुल, आपकी भी रेपुटेशन बनी रहती प्रोफेशनल की और क्लाइंट को पता भी रहता है कि जी टाइम की वैल्यू है और इस बंदे का भी कुछ अपना टाइम है तो आपके वहां विजिट करेगा। डॉक्यूमेंट चाहे वो डॉक्यूमेंट के लिए बहाने बुलाओ बट उनको बुलाओ, मतलब 4:1 की रेशियो रखो डिस्कशन के लिए, कैसे भी किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए आप उन्हें अपने यहाँ पर बुलाओ। जी, अच्छा सर एक बार क्या होता है, बड़ी दिक्कत आई कई लोगों के सामने। एक बार मेरे साथ भी ऐसा केस हुआ, मैंने ना क्लाइंट का टैक्स जमा कर दिया। हाँ जी। अब जो मैंने क्लाइंट का टैक्स जमा करा ना गवर्नमेंट साइट पे, वो हिट नहीं हुआ और लास्ट डेट थी। हाँ जी। तो मैंने दोबारा पे कर दिया। जी। तो मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए चले गए, टैक्स जाना था 25,000 का। जी। मैंने क्लाइंट से कहा सर ये 50,000 रुपए मेरे अकाउंट से कट गए। उसने कहा भाई जमा तो 25 ही करने थे। जी। तो तू 25 गवर्नमेंट से वापिस ले ले, मैं तो तुझे 25 ही दूंगा। तो वहां से मैंने एक सबक लिया कि भाई क्लाइंट की ना कभी भी मत करो, अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से टैक्स हुआ, लेट फीस हुई, इंटरेस्ट हुआ, टीडीएस हुआ, कुछ भी जमा मत करो। नहीं करो, ठीक है। जैसे आप अभी कह रहे थे कि फीस लेट आती है, साल साल दो दो साल होता है, जब क्लाइंट फीस ही नहीं दे रहा हमें तो टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट कहाँ से दे देगा। बिल्कुल, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। कभी भी अपनी जेब से टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट क्लाइंट का कभी पे मत करो। लास्ट डे पे होता क्लाइंट की पेनल्टी लग रही है, लगने दो, क्लाइंट किसी का सगा नहीं होता। आप क्लाइंट के बिहाफ पे कभी पे मत करो, कभी भी पे नहीं करना चाहिए। आप बोल दो कि सर मैं कुछ भी बोल दो क्लाइंट को, भाई मेरे पे 18% जीएसटी लग जाएगा, कुछ भी लग जाएगा, मेरे पास ये नहीं है, वो मैं नहीं है, अकाउंट से ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, तो लेकिन फीस मेरा मानना है कि ये वाली चीजें अवॉइड करें तो बहुत बेटर है, ठीक है ना। कई बार क्लाइंट कह देता है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ कैश दे रहा हूँ तुम्हें, तुम कर दो। उस केस में आप शायद कर भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने भी हार्ड मत बनो। लेकिन अगर क्लाइंट अपने वहां पर बैठा हुआ है, तुमसे टैक्स जमा करवा रहा है, क्योंकि कई बार क्या होगा तुम्हारे वो पैसे तो आ जाएंगे, फिर फीस नहीं आएगी। वो कहेगा मैंने दे तो दिए तुझे अभी 25,000 रुपए, अगर वो तो टैक्स के दिए थे। हमारे साथ शुरुआत में हुआ है, आगे चल के आपके साथ भी होगा, इसीलिए आज सर के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अच्छा, कई बार क्लाइंट्स ये कहते हैं कि सीए साहब हमारे से फीस कम कर लो, वकील साहब हमारे से फीस कम कर लो, तुम्हें और काम दिलवा देंगे। हाँ जी, बहुत काम आएगा तुम्हारे को हमारे थ्रू। तो क्या मान, आपका क्या मानना है, काम कौन से वाला आएगा, इन्हीं के जैसा आएगा या कोई बढ़िया काम आ जाएगा? सर इसमें दो बातें हैं। हाँ। पहली बात, ये लोग आपको रेफर बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में करेंगे। इनके थ्रू नया क्लाइंट आना बहुत 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 रेयर चांस है। आ भी गया तो इक्का दुक्का आएगा। जो कि आपने फीस पहले ही कम कर दी है तो आपका तो बराबर ही पड़ गया। दूसरी बात, अगर इन्होंने कहीं रेफर किया तो ये अपने जैसा ही रेफर करेंगे। कि जी जो डिस्काउंट मांग रहा है, जो है फीस कहता है कि जी छोटा मोटा काम आप मेरा फ्री में कर दो, तो आप इस बात के झांसे में बिल्कुल ना आए कि यार चलो इसका काम फ्री में कर देते हैं या बहुत डिस्काउंट पे काम कर देते हैं, नया काम दिलवा देगा। हाँ। ऐसा नहीं होता मार्केट में। आप जो फीस चार्ज कर रहे हो धड़ल्ले से चार्ज करो। आप इस बात को कभी भी एक सेंटर पॉइंट ऑफ सेंटर रख के ना सोचो कि अरे नया क्लाइंट दिलवा देगा, बहुत रेयर चांस है। चलिए ठीक है सर, अब आगे हमारा पॉइंट आता है, ठीक है, टैक्स पेमेंट हमें नहीं करनी। इसके अलावा एक दो चीजों में मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। जैसे कि कुछ बैनर्स आप लगा के रखो अपने ऑफिस में, अपनी प्रीमिसेस में। एक तो मैंने जो बोला 100% एडवांस वाला, ठीक है, वो आपको 80-90% पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। 1-2% क्लाइंट ऐसे होंगे जो कहेंगे यार ये तो बड़ा रूड है, एडवांस पेमेंट लेता है। आप लगा कर रखो, जैसे ही आप लगाओगे ना तो हैबिट पड़ जाएगी क्लाइंट्स को। और एक ना उससे थोड़ा सा मीटिंग चार्जेस जो है ना, जैसे उसका भी लगाओ। जैसे मेरे ऑफिस में लगा रहता है कंसल्टेंसी चार्जेस इतना है, आधे घंटे का इतना, एक घंटे का इतना। उससे क्या होता है, जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है ना सर, चाहे दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, तो उसे पता होती है कि यार इस व्यक्ति के ना समय की वैल्यू है। बिल्कुल। तो इसके समय की वैल्यू को वेस्ट ना करा जाए। बिल्कुल, ठीक है। और मतलब फालतू चीजों में इन्वॉल्व ना हो। सर हो सकता है महीना दो महीना लोग हंसे भी, आपके जो अदर प्रोफेशनल है जानने वाले, वो कहें भी आपकी मार्केट में नाम खराब करने की कोशिश करें कि जी वो तो अपने यहाँ बैनर लगा के रखते हैं। हाँ, वो तो बात करने के भी पैसे ले लेता है, करने के पैसे लेता है, बैठाने के भी पैसे ले लेता है। बट ट्रस्ट मी, ये लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगा। कहीं ना कहीं आपका नाम मार्केट में होगा कि उस बंदे के टाइम की कीमत है और वो लोग आपके प्रोफेशनल को समझेंगे, प्रोफेशनलिज्म। बिल्कुल बिल्कुल।
इसके अलावा और कुछ सर आप बताना चाहते हो? सर एक पॉइंट लास्ट मेरा ये है कि आप अपना थोड़ा सा डिमांड हाई रखो। ये नहीं है कि जी क्लाइंट का फोन आ गया तुरंत एकदम झट झटाझट रिप्लाई दे रहे हो उसको, तुरंत फोन उठा लिया, थोड़ा सा उसको टाइम दो, एक दो फोन नहीं भी उठाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। उसको भी पता होना चाहिए कि जी हमारे टाइम की वैल्यू है। हाँ, लेकिन कॉल बैक तो कर लो, कॉल बैक करो, बिल्कुल करो, आप 5-7 मिनट में कॉल बैक जरूर करो। और दूसरा पॉइंट ये है कि कभी क्लाइंट हो सकता है आपने कॉल उठाया और क्लाइंट गुस्से में हो, उसको तुरंत कोई भी रिप्लाई मत दो, कुछ मत बोलो, उसको बोलो सर मैं मीटिंग में बैठा हूँ या मैं कहीं फैमिली के साथ हूँ, मैं आपको 1-1.5 घंटे में कॉल करता हूँ। तब तक क्लाइंट शांत हो गया होगा, बाय चांस कोई नोटिस आ गया हो सकता है, डर जाए क्लाइंट, बिल्कुल, तो 1-2 घंटे में उसको समझाओ आराम से, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अच्छा सर एक चीज और बताओ। हाँ जी। क्लाइंट मेरे को टाइम देता है कि जैन साहब मैं आ जाऊंगा 12 बजे। हाँ आपके ऑफिस में कई बार तो वो कहता है मैं 12 बजे आ जाऊंगा, वो 12 बजे नहीं आता, 1-2 बजे आ जाता है। कई बार वो कहता है मैं तो नीचे से निकल रहा था तो मैंने सोचा जैन साहब से मिल लूं। तो क्या हमारे को ऐसे अपने ऑफिस को बना देना चाहिए कि भाई कभी भी कोई आओ, या एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि भाई अगर कोई क्लाइंट आपसे मिलना चाहता है तो उसे बोलो कि भाई मेरे पास कल का 11 से 1 का टाइम फ्री है और 4 से 7 का, आप इन दोनों टाइमों में से आ जाओ किसी में और क्लाइंट को थोड़ा सा समय की वैल्यू कराओ। बिल्कुल, ये तरीका बिल्कुल सही है। आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ, फिक्स रखो कि इस टाइम मैं पढ़ रहा हूँ, बाई चांस आप पढ़ रहे हो किसी टॉपिक को लेकर जीएसटी इनकम टैक्स, क्लाइंट आ गए एकदम से तो आप डिस्टर्ब हो गए, या फिर कोई और क्लाइंट ऑलरेडी बैठा हुआ है, कई बार होता है। तो प्रॉपर क्लाइंट को टाइम दो कि सर आप इस टाइम आइए, मैं आपको इस टाइम मिलूंगा। हाँ। इस टाइम अगर आप इस टाइम के अलावा आते तो हो सकता है मैं डिपार्टमेंट में हूँ या किसी और क्लाइंट पे हूँ, बिल्कुल, तो आप एक टाइम को मद्देनजर रखते हो, टाइम को उसे बोलो कि अगर आपको जब भी आना है तो एक बार आप पहले से कॉल कर दे और 1-2 दिन पहले, क्योंकि मैंने भी देखा है जब हम अपने सीए साहब के पास जाते थे तो पहले हमारे बॉस कहते थे पहले सीए साहब से टाइम ले लो, तो हम उनसे फोन करके कहते थे कि सर अपना टाइम दे दो, तो वो कहते थे 12 बजे, तो 12 का मतलब 12, ठीक है ना, वो उसी हिसाब से मैनेज करते हैं। सर टाइम मैनेजमेंट भी आ गया ना इसमें, बिल्कुल, एक आपने बिल्कुल सर इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर ऐड मैं करना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ। हम आपकी वीडियोस देखते हैं, मैं आपसे पर्सनली कई बार मिल चुका हूँ, आप एकदम टाई वाई लगा के सूट बूट पहन के गर्मी के टाइम में भी एकदम एज ए प्रोफेशनल दिखते हो, आप बताओ थोड़ा सा कुछ। जैसे मुझे पता लगा कि आज जय गुलिया जी मेरे से मिलने आने वाले हैं जी, तो एज ए प्रोफेशनल चाहे बेशक मैं बिना टाई के था जी, लेकिन मुझे पता है मेरे से कोई क्लाइंट मिलने वाले आने वाला है या कोई भी मिलने आने वाला है जी, तो मैं हमेशा अमूमन क्या करता हूँ कोट पैंट या टाई डाल लेता हूँ। इसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है जी, ये मेरी एक हैबिट बन चुका है। हाँ जी। अब उसमें क्या होता है जैसे मैं डिपार्टमेंट जाता हूँ तो डिपार्टमेंट जाने में मेरे को इतनी मदद मिली है कि जब भी मैं सेल टैक्स जीएसटी इनकम टैक्स कोट पैंट पहन के और खासकर ब्लैक या ब्लू और साथ में रेड टाई लगाकर गया हूँ, मतलब जूते अच्छे से चमका के गया हूँ और साथ में मैं एक बुक लेके चलता हूँ, इनकम टैक्स में जा रहा हूँ तो इनकम टैक्स की और जीएसटी में जा रहा हूँ तो एक्ट की, तो जब मैं वहां पर जाता हूँ तो एक तो मेरी बॉडी में कॉन्फिडेंस बहुत होता है जी, ठीक है ना, क्योंकि काला कपड़ा अगर आप पहनते हो तो आपको एक साइकोलॉजी इम्पैक्ट बता देता हूँ, काला कपड़ा जो होता है ताकत का प्रतीक होता है। ओके, तो आपने कभी देखा होगा जो डिग्रियां मिलती है तो ब्लैक पहनाया जाता है, एडवोकेट्स होते हैं ब्लैक पहनते हैं, ये एक ताकत का प्रतीक होता है। तो जब भी मैं गया इन चीजों को पहन के तो इसका ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, वहां पर जो व्यक्ति बोलना चाह रहा है वो सारी चीजें अच्छे से हमारी सुनता है, रेस्पेक्ट देता है जी, नॉलेज तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये ड्रेसअप का मेरी लाइफ में बहुत अच्छा, मुझे खुद कॉन्फिडेंस आता है जी। तो कई बार मैं गर्मी में भी अगर मुझे कहीं जाना होता है और डिपार्टमेंट जाना होता है तो मैं हमेशा ये पहन लेता हूँ। तो आपको भी सजेस्ट करता हूँ, देखो अगर प्रोफेशनल लाइफ है ब्लैक पैंट ब्लू पैंट व्हाइट शर्ट और रेड टाई कोट, ये मतलब 5-10 हजार रुपए ना एक बार इन्वेस्ट कर लो, इससे ना थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं कभी भी करता हूँ तो मोस्टली, ऐसा नहीं हर बार ही लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं इन चीजों को करता। अच्छा, थोड़े ब्रांडेड कपड़े हमें पहनने चाहिए, आपका क्या मानना है? देखो मैं ये नहीं कहता ब्रांडेड की, ठीक है, मैं ये नहीं कहता, वो बात अलग है कि अगर आप ब्रांड पे जाते हो तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है, आपके साइकोलॉजी इफेक्ट आता है, लेकिन जो आपका प्रोफेशनल ड्रेस है वो पहननी चाहिए। प्रोफेशनल ड्रेस मतलब कि जैसे आप पहनते हो ब्लैक व्हाइट इस टाइप से या बिल्कुल प्लेन पहनते हो तो एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए जी, चाहे वो ब्रांड पहने चाहे नॉन ब्रांड पहने जी, ठीक है, उससे कोई मैटर मेरे हिसाब से नहीं पड़ता। अच्छे कपड़े पहनने से अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, आप खुद प्रोफेशनल, आप बताओ जिस दिन आप नए कपड़े पहन के जाते होंगे ठीक है उस दिन अलग कॉन्फिडेंस आता है, तो वो कॉन्फिडेंस आता है जिस दिन आप नया पैन खरीद के लगाते हो अपनी जेब में, उस दिन कॉन्फिडेंस आता है, तो हर नई चीज का कॉन्फिडेंस तो आता है।
तो मतलब आपकी बात से करक्स ये है कि आप एक अच्छी अमाउंट 8-10 हजार रुपए कपड़ों पे और अपनी बुक्स पे जरूर खर्च करो। बिल्कुल, मैं वो नहीं चाहिए, मैं तो डिपार्टमेंट में जाता हूँ चाहे मुझे कितना भी कुछ हो रहा हो तो मैं बुक साथ में जरूर लेके जाता हूँ। अगर किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो अपनी फाइल जो मेरी छपी हुई है वो जरूर लेके जाता हूँ कि सामने वाले को थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, और इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है जी, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो सर मेरे हिसाब से काफी इस वीडियो से मदद मिलेगी हमारे प्रोफेशनल्स को, और आप लोगों के क्या व्यूज हैं, क्या चीज आपको इस वीडियो में अच्छी लगी, क्या चीज आपका पॉइंट डिफर करता, हो सकता है आपके पॉइंट डिफर हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना जी। और इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है और आपके व्यूज भी मोस्ट वेलकम है, तो इस वीडियो को हम फिनिश कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।